गाइस जो भी घर पार्सल बेचने वाला है इधर भाव ने लेकर आया है बड़ा वाला सेलो टेप। तो हेरी आइले दुख पाए ना जब हेरी ज्यादा हेरी मो तो 17 दुख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सा ठीक हूँ। आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज का ब्लॉग क्या है आप सबने मेरा टाइटल पढ़ लिया। सो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ उधर, वही जो टाइटल पढ़ा है वो सब मैं थोड़ा दिखाने वाले हूँ आप सबको, ठीक है? चलो गाइस, इधर तो बैठ के देख रहा है तो अब जो मैं ज्यादा सु यहाँ है ना, अभी मैं यहाँ बगान पिछड़ी पैसा राखेको अनि तल्लोपट्टि रुम हुँदै राखेको थिएँ आइया आइया। अन्त यहाँ चाहिँ टाढो भएर होइन, यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ टाढो भएर चाहिँ पैसा राख्नै गाह्रो भएर चाहिँ 6 महिना मात्रै पैसा राखेको होइन। कन्तुर आमामा भगवान्, साह्रो निकालेको कन्तुर चाहिँ कस्तो होला अब निकाल्दैछ। आमामा 1 लाख पुग्यो जस्तो लाग्दैछ हौ। विचार गर अब विचार गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो कन्तुर पनि थिएन होइन। अनि अभि चाहिँ मैं निकालके आ रहे हो के गर्नु, अब किन निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु होइन। म चाहिँ यहाँ जाँदैछु अब खोल्नु, यता पिएम पनि छ हो, कति छैन अब 1-2 रुपियाँ भए पनि होइन, कन्तुरमा राखेको पैसा चाहिँ अब दुःख गरेर पसेको अरे नि त हो। अब त्यहाँनिर खाजा नखाइ नखाइ 10-15 रुपियाँ 2 जना भएर हालेको पैसा होइन, त्यो पनि अब कन्टिन्यू हालेको भएर सायद हुन्थ्यो होला, कन्टिन्यू हाल्नु सकेन होइन, 1-2 दिन हालेको पैसा। अन्त अब हेरौँ, चाहन्छु नि बा छ नि बा गाडी भाडा। अब म चाहिँ सोच्दैछु होइन, यही पैसा चाहिँ हाम घर ट्रेन टिकटका टिकट गरेका पर क्या होगा, तो फिर क्या करे, अभी इसका दुसरै काम पर ला देने वाली हूँ मैं। चलो देख, उखाले उखाले पैसा है, पैसा लुका त अब पैसा सर्नु भएन, सक्यो ₹10 रहेछ, 500 रुपियाँ चाहिँ होला हौ टोटल गरेर। सानो दामी फुलबारीमा अब पैसा थुपारेको, आज मङ्गलबार कडाबार चाहिँ पैसा निकाल्नु अरे भनेर ब्याङ्क फोरेको कडाबारमा। चान्चुने त कति पनि छैन छ पैसा, तर मैले आज यहाँ यो ब्लुटुथबाट बोल्दैछु। हेलो हेलो हेलो, यो नयाँ ब्लुटुथ है गाइस, त्यही भएर बोल्दैछु। म ढक्का पैसा बन्दी गरेँ, अब 10 रुपियाँ 40 50 60 70 80 90 100 101 रुपियाँ ढक्का पैसा। यसले त लु सेल ट्याप आइहाल्यो नि, फेरि 1 वर्ष राख्नु भएको त हुँदैछ 2000 रुपियाँ 711 रुपियाँ लुखा त अब यसमा 120 रुपियाँ सेलिट्याप्ट पुग्छ होइन हाम्रो, हाम 120 रुपिसका सेलोट्याप खरिदनेवाला है। क्यों? क्योंकि हम अभी इतना सारा पार्सल जो रेडी किया है मैं दिखाएगा बाकी, ठीक है? 150 रुपये राख दूँ ना, 150 रुपये पार्सल को सेलोट्याप को, अनि 600 रुपये पार्सल को गर्दा 750 का खर्च भइहाल्यो, गर्दा 60 रुपये उठिन्छ आधी केजी तेल ल्याउने खतम। सो गाइस, अभी इतना पैसा क्या करेगा, दुखको पोका खोलेको नि हौ। चलो गाइस, अब हाम्रो कलेज सक्नु आँट्यो होइन, अन्त यो चाहिँ हाम्रो पार्सल हो, अब हाम्रो लुगा फाटा लगाएको यहाँनिर चाहिँ पठाउनुको लागि रेडी गरेको, अनि मेरो चाहिँ यो दुइटा गरेर चाहिँ तपाईँको कति 14 केजी 15 केजी जस्तो छ, अनि पिएम चाहिँ यहाँनिर छ, पिएमको चाहिँ बेसी छैन 7 केजी जस्तो होला, त्यति चाहिँ गरेर
चलो गाइस, इसके लिए हमारा पैसा भी जमा हो चुका है पार्सल भेजने के लिए। तो हम आफ्टर बीपीएड ख़त्म होने के बाद 22 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है बीपीएड, तो हम 23-24 को निकलेंगे इधर से। तो इतना ज़्यादा सामान कैसे लेकर जाएगा? तो घर पे थोड़ा तो हमने पहुँचा दिया, तो फिर ये सब पहुँचाने वाले हैं हम। तो फिर हम रिलैक्स स्टाइल में, खुला स्टाइल में कम सामान लेके जाएगा 24 को। तो गाइस, सबका टिकट भी हो चुका है, हमारा भी कल किया टिकट किया। मैंने सोचा था कंतूर का पैसा से टिकट करेगा, तो क्या करेगा, इतना ही तो है नहीं है। तो फिर हम क्या करें, वो पार्सल भेजने के लिए हमने किया। तो अभी पीएम तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा, ए बाप रे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। ठीक है गाइस, कितना कितना दोनों को कितना कितना हाथ लग जाएगा दिखाएगा। ठीक है, तो हम बोलते बोलते आज का ब्लॉग भी इधर ही ख़त्म होने जा रहा है। तो हम अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा तो सेरेटैप लेकर आएगा, ये पूरा बाइंडिंग सब में दिखाएगा। ठीक है, क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ नाम लगाएगा उस पर हम, चलो देखते हैं गया क्या करे। 800 पैसा थियो, 400 नबाटेर 10-10 भन्दै बाँड्दछ यहाँनिर पिएमले। के गरेको गरेको लै, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अब होस्टेलमा बसेर यस्तै छ होइन, एक रुपियाँको पनि भ्याल्यु गर्नुपर्छ, एक रुपियाँ पैसा पनि त्यसै आउँदैन, दुःख सुख गरेर राखेको पैसा होइन यति भए पनि छ रहेछ। अब चाहिँ यति चाहिँ बाँड्यो, अब मेरो भागमा चाहिँ यति चाहिँ आयो, अब भङ्गै नि हो भङ्गै, यति पैसा 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 कै भन्नु गाइस, अभी हम जा रहे हैं दुकान से लेकर लेने के लिए। अभी हम दिन में नहीं निकला ना, रात में निकल रहा है। रात में भी क्या, इधर 6:30 6:30 हो चुका है, तो इतना उजाला है। अभी इधर फुटबॉल भी खेल रहा है, 6:30 मात्रै बेला अँधेर भएर पनि 5 बजी पाइसक्यो होइन, बट इधर तो अभी तक धुपी है। फुल मात्रै हेर न, के साह्रो फुलेको फुलेको, यस्तो रुखहरू सबै फुल्छ नि त यहाँ चाहिँ। फेरि दोकान चाहिँ पुग्नु अझै बाँकी छ, नजारा मात्रै हेर यहाँ, चप्पल मात्रै, ग्रिनेरी आचुपिएम इन्जिनियरिङ कोलोनी, इन्जिनियरिङको है जग्गा, साह्रो दामी छौँ। बिहानको बााउन्ड्रीबाट बाहिर निस्क्यो, अनि यता बाहिर चाहिँ दोकान छ, यो हाम्रो सानो दोकान। ओ चलो, हम ये सेटअपले निकली आया है, हाम्रो कत्रो चाहिँ ल्याएछन् त, बहुत बडा सेटअप है ये। ठिक है, पार्सल के लिए सही है, ये छोटा भाव है ये। 40 रुपीस वाला नया नया कुल्फी अभी अभी मिला है, अच्छा पता नहीं कैसा है, सेब भी थोड़ा बिगड़ गया है। बस जो भी घर पार्सल भेजने वाला है, इधर भाव ने लेकर आया है बड़ा वाला सेलो टेप, तो सब जन इधर आना, ये छोटा वाला आप सभी को पता है, तो इधर से खरीद के लेना 130 रुपीस बड़ा वाला सेलो टेप। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने बड़ा कार्टून लेकर आया है इसमें डालने के लिए, ये मेरा दो मैंने बताया था 14 kg सब लगाया था, पर 14 kg नहीं देख रहा है। चलो गाइस, अभी ये उधर डालने वाली हूँ, पीएम हेल्प कर रहा है। महिना यस्तो माया लाग्दो गरेर पट्याएको, आमामा के धोतीहरू कम्ती छैन नि। और डालने के लिए जाना।
गाइस पार्सल भी रेडी हो चुका है। अभी ये एड्रेस भी लिख दिया है, पाक्यो भेज रहा है, ये पाक्यो पठाउँदैछ। अन्त यो चाहिँ मेरो हो, इधर बेहर बेहन डाइरेक्ट याङगाङको मैले एड्रेस पठाएको छु। मेरो बहिनीको नाम र नम्बर, बाउको नम्बर लगाएर होइन यो चाहिँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो। 10 केजी जस्तो छ पार्सल, जान्छ कि जाँदैन, फर्स्ट टाइम याङगाङ अब पार्सल गर्दैछु होइन, सी देख्ना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम हॉस्टल से निकल चुका है, देखो मैं पीएम को पार्सल कैरी कर रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा वेट है ना, इसलिए पीएम को बोकने के लिए दिया है। हम जा रहा है, यो दुख पाँच अब है यहाँदि जान टाड़ो गंट, यो धूप लगी ये 9:30 को धूप है। हम सिक्किम में 12 बजे लगे, असार मेन असार में ये घाम लगे, बिजोग गरेर बोकेर लगेको 10 केजीदेखि बेसी भयो भने चाहिँ अमन छै, तर साथमा सेलोटेप पनि बोकेर हिँडिरहेको छ। ए भगन्ट के दुःख पाकन्ट, फेरि अहिले दुःख पाएन भने चाहिँ फेरि जाँदाखेरि म त 17 दुःख पाउँछु नि। ए भगन्ट गाइस मजा रहे, पुरा एप्स बन रहे, मसल्स पुरा बढ रहा है मेरा। हेलो गाइस पहुंच गया है हमारा पोस्ट ऑफिस इधर मलखाम एरिया का सामने, आगे इधर रख के अंदर गया है पूछने के लिए। वजन करना है, कंतुरुक पैसा को काम हो जैसे, तर मेरा अलग पैसा पुगेन। गाइस फाइनली हो गया दोनों पार्सल करके 650, तो हमने रिसीव लेकर आया है। ये मेरा राबंगला का दिया है और इधर पक्यों का, तो हमारा पार्सल भी भेज दिया। मेरा हुआ 8 KG 640 ग्राम और पीएम का हुआ 5 KG। तो चलो आज का कंतूर का पैसा से थोड़ा हेल्प किया इसमें, तो कुछ कितना हेल्प किया, थोड़ा नहीं पूरा हेल्प किया, कंतूर का पैसा नहीं हम दोनों ने भेज दिया। तो गाइस ओके स्पीड पोस्ट के लिए मेरा तो 8 KG 600 कितना था, उसके लिए तो पैसा भी स्पीड पोस्ट के लिए 840 रुपये मांग रहा था, इसीलिए नॉर्मल पोस्ट को तो 356 ही मांगा मेरा। तो नॉर्मल पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट में ज़्यादा पैसा है, जल्दी भी पहुंच जाएगा। जल्दी क्यों पहुंचना है, 20 डेज के अंदर पोस्ट भी हो जाएगा, इसलिए हमने नॉर्मल पोस्ट ही किया है। चलो आज का ये ब्लॉग में, और आप सब इंजॉय किया होगा ज़रूर। तो आज का ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म होने जा रहा है। तो आज 1 मई 2024 में हमने पार्सल किया है, देखते कब भेज पहुँचता है घर। तो चलो गाइस आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो मनीता गुरुंग ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, पसंद आए तो जरूर लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए। चलो बाय गाइस, अभी ये लास्ट वाला बाय है, डिबेट ख़त्म हो चुका होने वाला है। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, फिर मिलेंगे आपके साथ दूसरा और अच्छा वाला ब्लॉग में। तो चलो बाय 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 बाय, ल गाइस तपाईँहरूसँग फेरि अर्को ब्लगमा भेट्छु ल। आजको ब्लग चाहिँ अब यहीँ समाप्त, अनि यो सेलोटेप चाहिँ लानुको दुःख मात्रै भयो, धन्न भगवान्ले साथ दियो। ल बाई, गुड नाइट, गुड मर्निङ, हेभ अ ग्रेट डे।